गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शिवम, विकेश, प्रियंवदा, रंजना, गुड इवनिंग। सीमा, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्रोमेटिन रीमॉडलिंग प्रोसेस को, किस तरीके से क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोसोम्स की पोजीशन को चेंज किया जा सकता है, या क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस कैसे फंक्शन करते हैं। उसमें आपने स्टडी किया कि क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस विदाउट एनी केमिकल मॉडिफिकेशन, इस पॉइंट को यदि मैं इस तरह से कहूँ जिससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें, कि बिना किसी केमिकल मॉडिफिकेशन किए हिस्टोन कोर में उनकी पोजीशंस को अल्टर करते हैं, और वो अल्टर करने के लिए या तो स्लाइडिंग कर सकते हैं, हिस्टोन कोर की न्यूक्लियोसोम को स्लाइड कर सकते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, या तो वो लूजनिंग कर सकते हैं, जो डीएनए रैप्ड है अराउंड हिस्टोन कोर उसको लूज करा सकते हैं, या फिर चौथे पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था हिस्टोन कोर की कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं और वहां पर जो हिस्टोन वेरिएंट हैं उनको प्लेस कर सकते हैं। इस तरह से वो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चेंज है वो है केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन्स। अब यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोन प्रोटीन के केमिकल मॉडिफिकेशन को। तो जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें डिस्कस किया था कि क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए तीन ऐसे प्रोसेसेस हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स यूज करती हैं, जिसमें से एक हम लोगों ने लिखा हुआ था क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, जिसको कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। दूसरा प्रोसेस है केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन्स। हिस्टोन्स का केमिकल मॉडिफिकेशन क्या है, उन मॉडिफिकेशन से क्या रिजल्ट होगा, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन होगा या इनएक्टिवेशन होगा, या क्रोमेटिन के नज़रिए से हम लोग पढ़ेंगे कि क्रोमेटिन स्ट्रक्चर और ज़्यादा फोल्ड हो जाएगा, पैकेजिंग डीएनए की और ज़्यादा लेवल में हो जाएगी, या फिर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर लूज हो जाएगा जिससे पर्टिकुलर डीएनए रीजंस एक्सपोज हो जाए और ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो सके। इन सारे पॉइंट्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। प्रज्ञा, गुड इवनिंग। श्रद्धा राजपूत, गुड इवनिंग। तो चलिए हम लोग शुरुआत करने वाले हैं हिस्टोन मॉडिफिकेशन से, कि हिस्टोन मॉडिफिकेशन क्या है और किस तरह की प्रोसेस है, इसको हम लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं, क्या फैक्ट हैं, और कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चन बने हुए हैं और आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हिस्टोन मॉडिफिकेशन, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जब हम जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वहां पर हिस्टोन कोर के बारे में, सबसे पहले जब हम लोग हिस्टोन कोर पढ़ रहे थे, ये ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर है जिसमें H3, H4, H2A एंड H2B, ये आप देख रहे हैं हिस्टोन कोर है और इसके अराउंड डीएनए की रैपिंग होती है। इसी हिस्टोन कोर स्ट्रक्चर की जो कंपोनेंट हैं उनके यंग टर्मिनल रीजंस जो अनस्ट्रक्चर्ड हैं वो बाहर निकले रहते हैं। आप जानते हैं यहाँ पर 8 कंपोनेंट हैं, इस तरह से 8 ही यंग टर्मिनल रीजंस बाहर निकले होंगे। मैंने यहाँ पर केवल 4 रीजंस को बाहर निकाला हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे जो ये यंग टर्मिनल रीजंस हैं किसी भी हिस्टोन कंपोनेंट के, ये अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, आपको ध्यान रखना है ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर हैं, फ्लेक्सिबल हैं, और ये साइट है केमिकल मॉडिफिकेशन की, साइट ऑफ केमिकल मॉडिफिकेशन आपको ध्यान रखना है। हिस्टोन में मॉडिफिकेशन कहाँ पर होगा और इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि जो ग्लोबुलर कोर कंपोनेंट हैं या कोर पोर्शन है उसमें केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं होता है,
जो कोर पोर्शन है उसमें भी मॉडिफिकेशंस आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी उनके बारे में नोन नहीं है। लेकिन आज की डेट में हम लोग जानते हैं हिस्टोन कोर में प्रेजेंट हिस्टोन कंपोनेंट्स के यंग टर्मिनल रीजंस एक फ्लेक्सिबल टेल की तरह ग्लोबुलर स्ट्रक्चर से बाहर निकले रहते हैं, और यहाँ पर प्रेजेंट लाइसिन या दूसरे अमाइनो एसिड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं केमिकल मॉडिफिकेशन के लिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वो केमिकल मॉडिफिकेशन कौन कौन से हैं और उनसे क्या रिलेशन है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कल टॉपिक हमने पढ़ा था उसका मैकेनिज्म अलग था, उसमें क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस, न्यूक्लियोसोम की पोजीशंस या न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को डायरेक्टली अल्टर कर रहे थे एटीपी एनर्जी कंज्यूम करके। यहाँ पर केमिकल ग्रुप्स को ऐड करना है या रिमूव करना है न्यूक्लियोसोम्स की जो हिस्टोन कंपोनेंट है उनकी टेल्स में, उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं। पूरी उम्मीद है आप लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट में अंतर कर पा रहे होंगे, ठीक है। शिवांगी गुड इवनिंग, अनुज श्रीवास्तव गुड इवनिंग, श्वेता त्रिपाठी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रतन गुड इवनिंग, ठीक है। तो चलिए हम लोग हिस्टोन मॉडिफिकेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन का मतलब है, आप जानते हैं हिस्टोन्स प्रोटीन है, और प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड्स के ये पॉलीमर है, उन्हीं अमाइनो एसिड्स पर केमिकल ग्रुप्स को ऐड करने की प्रक्रिया को या केमिकल ग्रुप्स के रिमूव करने की प्रक्रिया को हम हिस्टोन मॉडिफिकेशन कह रहे हैं, सिंपली आप समझ लीजिए, ठीक है। जब भी हम कोई केमिकल ग्रुप हिस्टोन्स की जो यंग टर्मिनल टेल्स हैं उन पर ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, इस एडिशन और रिमूवल से जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आएगा, और उस चेंज के साथ ही जो हमारी ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी है उनकी एसेस या तो आसान हो जाएगी या फिर वो एसेस और आसान नहीं होगी, बल्कि और ये स्ट्रक्चर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर और कंडेंस हो जाएगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी उसके साथ बाइंड ना हो पाए, उस डीएनए रीजन के साथ बाइंड ना हो, ट्रांसक्रिप्शन ना हो। तो सिंपली आप समझेंगे केमिकल मॉडिफिकेशन का मतलब है केमिकल ग्रुप्स को ऐड करना, जैसे एसिटाइलेशन कर लेना, मेथाइलेशन कर लेना, या फास्फोराइलेशन कर लेना, या कभी कभी यूबीक्यूटिनेशन करना। मोर देन 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल मॉडिफिकेशंस आइडेंटिफाइड हैं आज की डेट में, लेकिन हम लोग कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस के बारे में काफ़ी बेहतर जानते हैं, इस वजह से हमारा जो डिस्कशन है वो वहीं तक लिमिटेड होगा, और ऐसा मत समझिएगा कि उससे भी ज्यादा जो मॉडिफिकेशंस हैं उसे आपको आने चाहिए, ये सिंपल मॉडिफिकेशंस आपको आने चाहिए और इन्हीं के बारे में नोन है, और इसी वजह से यहीं तक आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ठीक है। लायक राम गुड इवनिंग, श्रद्धा राजपूत गुड इवनिंग, रंजना अंजलि गुड इवनिंग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्टोन मॉडिफिकेशन अल्टर द एसेसिबिलिटी ऑफ क्रोमेटिन टू द जनरल ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू फंक्शन एज मास्टर ऑन ऑफ स्विचेस दैट डिटरमाइन वेदर ए जीन इज एक्टिव और इनएक्टिव, ठीक है। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है उसके आधार पर आप समझिए, जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन है वो हमारे क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को अल्टर करता है, जिससे जो ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी है उसकी एसेसिबिलिटी या तो हो पाएगी और नहीं हो पाएगी, दोनों कंडीशन हो सकती है। यदि एसेसिबल होगी तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा, और एसेसिबल नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, रिप्रेशन हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे जीन रेगुलेशन के नजरिए से, ठीक है। और जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन, हम लोग डायरेक्ट हिस्टोन मॉडिफिकेशन पर ही आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आप सिंपली समझ लें कि हमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के इनिशिएशन के लिए या रिप्रेशन के लिए किस तरह के चेंजेस से जाना है या किस तरह के चेंजेस एसोसिएटेड हैं यूकेरियोट्स में, उनकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम लोग केमिकल मॉडिफिकेशन हिस्टोन टेल का करेंगे, इन मॉडिफिकेशंस के साथ ही, केमिकल मॉडिफिकेशन के साथ ही क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में चेंज होगा, और ये चेंज डिटरमाइन करेगा कि ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा।
क्रोमेटिन स्ट्रक्चर और ज्यादा फोल्ड हो जाएगा। मान लेते हैं 11 nm फाइबर में है तो वो 30 nm फाइबर या फिर उससे और ऊपर लेवल की फोल्डिंग में चला जाएगा, या 30 nm फाइबर है तो क्या उससे वो ओपन होकर के 11 nm फाइबर में आ जाएगा। इस तरह के मॉडिफिकेशंस के इफेक्ट रहते हैं क्रोमेटिन स्ट्रक्चर पर। तो हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केमिकल मॉडिफिकेशंस कौन कौन से हैं, कौन एंजाइम कैटेलाइज करते हैं और उनका रिलेशन क्रोमेटिन स्ट्रक्चर से क्या है और ट्रांसक्रिप्शन से रिलेशन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन होगा या ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन होगा, उन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे। देर आर फोर टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस टू हिस्टोन टेल्स नोन टू प्ले रोल इन रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। चार ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को चेंज करने में और जीन रेगुलेशन में। चार ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं क्रोमेटिन स्ट्रक्चर के लिए, और यदि हम उसी को रिलेट कर लेंगे ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन या रिप्रेशन, तो कहेंगे ये मॉडिफिकेशन ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन और रिप्रेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है पूजा चमोली, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पूजा। ठीक है, अब यहां पर आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे, मैंने जो मॉडिफिकेशंस यहां पर लिख रखे हैं उनसे आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है। जनरली मॉडिफिकेशन को हम लोग कहते हैं एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन, जरा ध्यान दीजिएगा, एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं जो पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है वो एसिटाइलेशन ऑफ लाइसिन। चार तरह के मॉडिफिकेशंस हैं जो बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में हिस्टोन्स के केमिकल मॉडिफिकेशन के समय। ठीक है, और इनका काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है हमारे क्रोमेटिन स्ट्रक्चर पर और ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन में। यहां पर मैं एक पॉइंट थोड़ा स्पेसिफाई करना चाहता हूं। जनरली लिखा होता है एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन, जब एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन आप पढ़ते हैं बुक्स में तो आपके लिए क्वेश्चन ये रह जाता है कि एसिटाइलेशन कौन से अमाइनो एसिड पर होगा, एसिटाइलेशन कौन से अमाइनो एसिड पर होगा और कौन सी हिस्टोन में होगा। तो यहां पर आपको ये जो चार पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं इससे कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट हैं या जो और चीजें हैं आसान हो जाएंगी। जब भी एसिटाइलेशन होता है, जब भी एसिटाइलेशन होगा तो ये एसिटाइलेशन लाइसीन अमाइनो एसिड पर होता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से ये सॉल्व हो गया है कि हिस्टोन में एसिटाइलेशन कौन सी अमाइनो एसिड पर होगा, तो एसिटाइलेशन लाइसीन रेसिड्यू पर होगा, लाइसीन रेसिड्यू पर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो मिथाइलेशन है वो लाइसीन और आर्जिनिन रेसिड्यूज पर होते हैं। तो यदि हम लोग बात करते हैं हिस्टोन मिथाइलेशन की, कहीं पर भी हम लोग यदि स्टडी करते हैं हिस्टोन मिथाइलेशन तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा जो मिथाइलेशन है वो लाइसीन रेसिड्यू पर होगा या फिर वो आर्जिनिन रेसिड्यू पर होगा। ठीक है, और यदि बात होती है एसिटाइलेशन की, कोई भी प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन एसिटाइलेशन में है तो अंडरस्टूड है जो अमाइनो एसिड रेसिड्यू होगा वो लाइसीन ही होगा। तो इस वजह से जो मैंने यहां पर मॉडिफिकेशन लिखे हैं उन मॉडिफिकेशंस में मैंने अमाइनो एसिड रेसिड्यू को भी रखा हुआ है, जिससे हमारे लिए आसान हो जाए कौन से अमाइनो एसिड रेसिड्यू पर ये चेंज होगा, कौन सा अमाइनो एसिड है जो मॉडिफिकेशन में जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। जब हम फास्फोराइलेशन की बात करते हैं तो सेरीन एंड थ्रियोनिन, सेरीन एंड थ्रियोनिन आर द साइट ऑफ फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन की जो साइट है वो सेरीन और थ्रियोनिन है, और जो यूबिक्यूटिनेशन है उसमें आता है लाइसीन, लाइसीन रेसिड्यू पर यूबिक्यूटिनेशन होता है। तो क्या आप सभी लोग इन पॉइंट को समझ पा रहे हैं, क्या आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं, मुझे यस और नो में बताएं। यस और नो में मुझे जल्दी से बताएं क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। तो हिस्टोन का केमिकल मॉडिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और केमिकल मॉडिफिकेशन में
चार ऐसे प्रोसेस हैं ठीक है जिनको आपको जानना है। उसमें से मैं आपसे कह सकता हूं किसी भी स्टूडेंट के लिए जो पहले दो मॉडिफिकेशंस हैं यही कॉमन है जिनके बारे में आपको स्टडी करना है और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ठीक है। विकेश, श्रद्धा, वर्षा, प्रज्ञा, रंजना, श्रद्धा राजपूत, दीप्ति, लोखंडे, शिवांगी ठीक है, आप सभी लोग, रतन ठीक है, पूजा चलिए। तो ये आप मॉडिफिकेशंस याद रखेंगे। चलिए कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। जो मॉडिफिकेशंस हैं, जितने भी मॉडिफिकेशंस आप देख रहे हैं ठीक है, ये मॉडिफिकेशंस होते हैं यंग टर्मिनल, जो फ्लेक्सिबल यंग टर्मिनल एक्सटेंडेड रीजन से हिस्टोन प्रोटीन्स की वहां पर होते हैं ठीक है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है जब हम मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं तो साइट ऑफ मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन की साइट क्या है, तो ये साइट है ठीक है यंग टर्मिनल टेल्स ऑफ हिस्टोन्स, हिस्टोन्स की यंग टर्मिनल टेल से जो वो साइट है वहां के अमाइनो एसिड मॉडिफिकेशन में जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है ये सारे मॉडिफिकेशंस रिवर्सिबल हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन इररिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का मतलब हो गया केमिकल ग्रुप का एडिशन होगा, केमिकल ग्रुप ऐड किया जाएगा और साथ साथ ठीक है और उसे रिमूव भी किया जा सकता है। तो ये एडिशन और रिमूवल चलता रहता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो जो भी मॉडिफिकेशन है वो परमानेंट नहीं है, वो रिवर्सिबल है, आपको ध्यान रखना है ठीक है। और जब हम ये दो पॉइंट शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो यंग टर्मिनल टेल से यहां पर मॉडिफिकेशन होंगे, यहाँ के अमाइनो एसिड रेसिड्यूज पर ग्रुप्स को ऐड किया जाएगा, केमिकल ग्रुप्स को ऐड किया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये मॉडिफिकेशन रिवर्सिबल है, ये मॉडिफिकेशन रिवर्सिबल है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक मॉडिफिकेशन ठीक है, जितने भी मॉडिफिकेशंस हम लोग पढ़ेंगे, हर एक मॉडिफिकेशन कैटेलाइज किया जाता है, कैटेलाइज्ड बाय ए सेट ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। हर एक मॉडिफिकेशन को कैटेलाइज करने वाले एंजाइम्स होते हैं या सेट ऑफ एंजाइम्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मॉडिफिकेशन को कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम ही कैटेलाइज करता हो, समझ पा रहे हैं ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर एक मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन हैव टू सिग्नल्स। यहां पर आपको ध्यान देना है, मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूं, हर एक मॉडिफिकेशन के पास दो सिग्नल्स हैं। एक तो सिग्नल क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को लेकर के हैं ठीक है, आप लोग सभी लोग इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है और कभी कभी कोई इसी कॉन्सेप्ट को जो रिसेंट में डेवलप हुआ है इसे हम लोग हिस्टोन कोड कहते हैं, इसी को हिस्टोन कोड कह देते हैं। हर एक मॉडिफिकेशन दो तरह के सिग्नल कैरी करता है, एक सिग्नल है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर के लिए कि क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा, तो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए एक तो सिग्नल हो गया। दूसरा सिग्नल है कि वो दूसरे सेट ऑफ प्रोटीन्स को रिक्रूट कर सकता है, वो प्रोटीन्स कौन सी हैं और उस प्रोटीन के रिक्रूट होने से क्या चेंजेस होंगे, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन होगा या रिप्रेशन होगा, उसके लिए भी सिग्नल रखता है ठीक है। ठीक है श्रद्धा श्रीवास्तव, ठीक है श्रद्धा, तो आप लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे इसके पास दो तरह के सिग्नल हैं, एक तो चेंज इन क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा, क्या क्रोमेटिन स्ट्रक्चर और ज्यादा फोल्ड होगा या फिर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर लूज हो जाएगा, इसके लिए सिग्नल है ठीक है।
और दूसरा है कि ये रिक्रूट कर सकते हैं, रिक्रूट स्पेसिफिक प्रोटीन्स दैट फर्दर चेंज द क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन को फर्दर चेंज कर सकते हैं, वो चेंज कई अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो जब भी कोई केमिकल मॉडिफिकेशन हिस्टोन टेल में होगा तो इस मॉडिफिकेशन का एक डायरेक्ट इफेक्ट होगा क्रोमेटिन स्ट्रक्चर पर। और दूसरा, उनके पास सिग्नल है, वो एज ए कोड फंक्शन कर रहे हैं, और वो किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ एंजाइम्स या एंजाइम कॉम्प्लेक्स को रिक्रूट कर सकते हैं। और जब वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स रिक्रूट होगा या सेट ऑफ प्रोटीन्स रिक्रूट होगी, तो उनका फंक्शन डिसाइड करेगा कि क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में और क्या चेंज होना है, और उस चेंज के बेस पर डिसाइड होगा ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन होगा या रिप्रेशन होगा। अभी मैंने आपको कोई पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ाया है, कोई पर्टिकुलर केमिकल चेंज नहीं बताया है, मैं आपको केवल कुछ बेसिक्स बता रहा हूं कि ये रिवर्सिबल है, ठीक है, यन टर्मिनल टेल्स हैं स्पेसिफिक साइट मॉडिफिकेशन की, और जो भी मॉडिफिकेशन है स्पेसिफिक सेट ऑफ एंजाइम्स या एंजाइम कह सकते हैं कैटेलाइज करते हैं, और जब भी कोई मॉडिफिकेशन होगा तो उस मॉडिफिकेशन के दो सिग्नल्स हैं, या कह सकते हैं वो दो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। एक तो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को वो डायरेक्टली अल्टर करेगा, दूसरा वो रिक्रूट कर सकता है स्पेसिफिक सेट ऑफ एंजाइम्स को, एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस को, जो फर्दर चेंज कैटेलाइज करेंगे क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में, और देन डिसाइड होगा कि क्या चेंज हुआ और उसका रिजल्ट सेल के लेवल पर क्या होगा। ठीक है, आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, देन मैं आगे बढ़ रहा हूं और बात करते हैं एक पहले मॉडिफिकेशन की, एसिटाइलेशन की। तो क्या आप लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? और यदि समझ पा रहे हैं तो हम लोग एसिटाइलेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, इन मॉडिफिकेशंस को आगे बढ़ाते हैं। एक बार मुझे बताइए, ठीक है योगेश, वर्षा, ठीक है रंजना, ठीक है प्रज्ञा, शिवांगी, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। और पहले मॉडिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं, जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है, एसिटाइलेशन ऑफ लाइसिन, एसिटाइलेशन ऑफ लाइसिन की हम लोग बात कर रहे हैं। पहला जो मॉडिफिकेशन है वो एसिटाइलेशन है लाइसिन का, लाइसिन रेसिड्यू का एसिटाइलेशन। सभी लोग ध्यान दें, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है एसिटाइलेशन का। आप लोग एसिटेट ग्रुप के बारे में जानते होंगे, ये एक एसिटेट ग्रुप है, एसिटेट है, और आप समझ सकते हैं कि ये कैरी कर रहा है निगेटिव चार्ज, ये कैरी करता है निगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिए, ये एसिटेट ग्रुप है और ये निगेटिव चार्ज कैरी करता है। जब हम हिस्टोन कोर की स्टडी करते हैं तो हिस्टोन कोर में H3, H4, H2A और H2B कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनकी ये फ्लेक्सिबल यन टर्मिनल टेल है, फ्लेक्सिबल यन टर्मिनल टेल है, जरा ध्यान दीजिएगा। इन्हीं यन टर्मिनल टेल के साथ जो लाइसिन रेसिड्यू है, ठीक है, यहां पर लाइसिन रेसिड्यू प्रेजेंट होगा, इसी लाइसिन रेसिड्यू के साथ, लाइसिन रेसिड्यू के साथ जो एसिटेट यूनिट है उसे लिंक कर दिया जाए, जो एसिटेट यूनिट है वो लिंक हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये एसिटेट है, और जब एसिटेट लिंक होता है तो ये हिस्टोन प्रोटीन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करता है। हिस्टोन प्रोटीन का जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उस चार्ज को ये न्यूट्रल कर देगा क्योंकि इसके पास है निगेटिव चार्ज। तो आप सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे कि जब भी एसिटाइलेशन होगा तो एसिटाइलेशन का इफेक्ट हिस्टोन पर क्या होगा,
कौन एंजाइम करेगा, कौन से रेसिड्यू पर होगा, कौन से हिस्टोन पर होगा, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। कुछ बेसिक्स आप समझ लीजिए। जब भी किसी हिस्टोन प्रोटीन के लाइसिन रेसिड्यू पर एसीटेट ग्रुप ऐड किया जाता है, तो इसके एडिशन से उस हिस्टोन प्रोटीन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होता है। और यदि हिस्टोन प्रोटीन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होता जाएगा, आप ध्यान दीजिए, जैसे जैसे एसिटाइलेशन होगा तो फिर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और यदि हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होता है, तो हिस्टोन और डीएनए के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो टाइट पैकिंग है, वो लूज होने लगेगी। और लूज होने का सीधा मतलब ये है कि क्रोमेटिन स्ट्रक्चर ओपन होने लगेगा, और जब भी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर ओपन होगा तो ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी की एसएस प्रमोटर तक बढ़ जाएगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि यदि एसिटाइलेशन लाइसिन का होता है, तो हिस्टोन और डीएनए का इंटरेक्शन लूज होगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टिमुलेशन के चांस बढ़ जाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन स्टिमुलेशन के चांस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ रहे होंगे, मुझे यस और नो में जल्दी से बताएं और फिर आगे बढ़ा जाए। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आप सभी लोग समझ लीजिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजीली आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, योगेश, रतन, श्रद्धा, वर्षा, ठीक है, रंजना, रतन का क्वेश्चन है, एन टर्मिनल के सभी लाइसिन रेसिड्यू पर एसिटाइलेशन होगा, तो रतन जी थोड़ा रुक जाइए, केवल अभी आप इसको पढ़िए, आगे कई सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है नेहा, ठीक है वीके, श्रद्धा, नेहा, ठीक है नेहा, गुड इवनिंग। तो रतन भी आते हैं, अभी इतना जल्दबाजी मत करो, एसिटाइलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। देखिए नेहा, मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल है कि मैं पूरे कॉन्सेप्ट को रिपीट करूं, और इससे क्या है, जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। आप अभी पढ़ते जाइए, बाद में आप जो इनिशियल पोर्शन है आप उसे चेक कर लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, गुड इवनिंग संजय। ध्यान देंगे, हिस्टोन एसिटाइलेशन कैटेलाइज्ड बाय हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, आपको ध्यान रखना है, एंजाइम है। ठीक है, एसिटाइलेशन ऑफ लाइसिन रेसिड्यू एट एप्साइलिन अमाइनो ग्रुप रिमूव्स देयर पॉजिटिव चार्ज। जब लाइसिन रेसिड्यू के एप्साइलिन अमाइनो ग्रुप के साथ एसिटेट यूनिट को लिंक करते हैं, तो उससे उसका पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाता है। दिस रिजल्ट डिक्रीज एफिनिटी ऑफ एसिटाइलेशन, ठीक है, या एसिटाइलेटेड हिस्टोन्स टेल फॉर डीएनए एंड रिलैक्सेशन ऑफ क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। जब भी क्रोमेटिन स्ट्रक्चर रिलैक्स होगा, विच अलाउ ट्रांसक्रिप्शन, तो जब भी हिस्टोन्स का एसिटाइलेशन होगा, आप लोग ध्यान देंगे, हिस्टोन का एसिटाइलेशन लाइसिन रेसिड्यू पर होगा। एसिटाइलेशन कैटेलाइज करने वाला एंजाइम हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम एसिटाइल ग्रुप को ऐड करेगा हिस्टोन पर, और जैसे ही हिस्टोन पर एसिटाइल ग्रुप ऐड होगा, इस एसिटाइल ग्रुप के ऐड होने से, एसिटेट के ऐड होने से इसका पॉजिटिव चार्ज रिमूव होगा, और पॉजिटिव चार्ज रिमूव होने से जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है वो लूज हो जाएगा, और इस लूजनिंग का रिजल्ट ये होगा कि जो ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी है वो बाइंड कर सकती है प्रमोटर रीजन के साथ, और ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन होगा। एक पॉइंट आप सभी लोग हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी हिस्टोन का एसिटाइलेशन आपसे पूछा जाए, कुछ आपको आता हो या ना आता हो, आप ये पॉइंट समझ लीजिए, कभी भी यदि हिस्टोन का एसिटाइलेशन पूछा जाए, हिस्टोन का एसिटाइलेशन पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपका आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन, हमेशा ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन आपका आंसर होगा।
कोई भी ऐसा क्रोमेटिन रीजन जहां के हिस्टोन प्रोटीन्स का एसिटाइलेशन हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन आपका आंसर होगा। आप इस चीज को ध्यान रखें, भले आपको कुछ आता हो या ना आता हो, कौन सी पोजीशन पर हुआ है, किसने कैटेलाइज किया है, यदि आपको नहीं पता है तब भी आप एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, यदि किसी भी क्रोमेटिन रीजन पर एसिटाइलेशन हुआ है तो वहां की जो जीन्स हैं या उस डीएनए रीजन पर प्रेजेंट जीन्स का ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन रतन ने क्वेश्चन किया था कि सारे लाइसिन रेसिड्यूज का एसिटाइलेशन हो जाएगा या फिर कुछ सेलेक्टेड लाइसिन रेसिड्यूज का एसिटाइलेशन होगा, और वो एसिटाइलेशन क्या सभी चारों तरह के जो कंपोनेंट हैं हिस्टोन कोर में सभी पर होगा, या किसी एक पर्टिकुलर हिस्टोन प्रोटीन पर ये चेंज होगा, हम लोग उसको डिस्कस करने चल रहे हैं। जब हम लोग हिस्टोन एसिटाइलेशन पढ़ते हैं तो उसको समझ लिया है कि हिस्टोन एसिटाइलेशन का रिजल्ट क्या होगा, एंजाइम कौन सा है, और इससे क्रोमेटिन स्ट्रक्चर लूज हो जाएगा या पैक हो जाएगा, इस पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो जनरल एसिटाइलेशन का जो इफेक्ट है उसे डिस्कस कर लिया, और एसिटाइलेशन के रिजल्ट में जीन्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टिमुलेट होगा ना कि रिप्रेस होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि एसिटाइलेशन कौन सी हिस्टोन पर होगा और कौन सी रेसिड्यू, उसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो सभी लोग ध्यान दें और रतन आपके अपने क्वेश्चन का आपको आंसर ही हाँ मिल जाएगा। ठीक है, एडिशन ऑफ ए सिंगल एसिटाइल ग्रुप टू लाइसिन 60, ठीक है, K16 इंटेल ऑफ H4 हिस्टोन। यदि आप H4 हिस्टोन को देखें तो 16 पोजीशन पर, 16वीं पोजीशन पर प्रेजेंट लाइसिन रेसिड्यू का एसिटाइलेशन, H4 प्रोटीन है, ठीक है, हिस्टोन कोर में H4 प्रोटीन के लाइसिन रेसिड्यू, और ये लाइसिन रेसिड्यू 16 पोजीशन पर है। ठीक है, और जब इसका एसिटाइलेशन होता है तो ये एसिटाइलेशन 30 nm फॉर्मेशन को रोक लेता है, 30 nm फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे ब्लॉक कर देता है। आप सभी लोग जानते हैं जब मैंने आपको 30 nm फाइबर पढ़ाया, ठीक है, उस समय मैंने कहा 30 nm फाइबर फॉर्मेशन के लिए एक तो H1 लिंकर हिस्टोन की जरूरत होती है और दूसरा N टर्मिनल रीजन के इंटरेक्शंस की जरूरत होती है। जो न्यूक्लियोसोम्स हैं उनमें प्रेजेंट N टर्मिनल टेल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जिसके रिजल्ट पर 11 nm फाइबर 30 nm फाइबर में फोल्ड होता है। तो जब H4 प्रोटीन के लाइसिन रेसिड्यू जो प्रेजेंट हैं 16 पोजीशन पर, उनकी आर चेन को एसिटाइलेट करते हैं तो इनका निगेटिव पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता है, और इस वजह से हिस्टोन का जो टेल टू टेल इंटरेक्शन है 30 nm फाइबर फॉर्मेशन के लिए वो नहीं होता है, और क्रोमेटिन स्ट्रक्चर 30 nm फाइबर में फोल्ड नहीं होगा बल्कि वो लूज हो जाएगा, और इस लूजनिंग की वजह से जो डीएनए साइट्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो जरूरी हैं उनकी एसएस ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी तक हो जाएगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कॉजिंग दी क्रोमेटिन टू बी एन ओपन कंफर्मेशन एंड अवेलेबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन। सभी लोग इस पर्टिकुलर पोजीशन को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर पोजीशन पर जब ये चेंज किया गया तो इस चेंज के साथ जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है वो लूज हो रहा है, तो ये एक स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन है, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। जब हम लोग पढ़ते हैं एसिटाइलेशन ऑफ लाइसिन, इसका मतलब ये नहीं कि सभी के सभी लाइसिन रेसिड्यूज को एसिटाइलेट कर लिया गया, जो एसिटाइलेशन है वो एक पर्टिकुलर साइट पर होता है, ठीक है, और ये एक जनरल नहीं है कि किसी भी पोजीशन पर कर लिया जाए, ये चेंजेस साइट स्पेसिफिक होते हैं, एक पर्टिकुलर साइट पर होंगे, किसी पर्टिकुलर हिस्टोन प्रोटीन पर ही होंगे, सभी पर नहीं होते। तो हर एक मॉडिफिकेशन का अपना एक रोल है हमारे ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन में, ठीक है, और वो केवल केमिकल ग्रुप की वजह से नहीं है बल्कि पोजीशन को लेकर के भी है और टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन को लेकर के भी।
तो उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे, आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे। मुझे बताइए बायोटेक्निक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मुझे यस और नो में बताएं जल्दी से। ठीक है योगेश, रंजना, अंजलि, वर्षा, पूजा, संजय, ठीक है प्रज्ञा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, और मैं आपके सामने क्वेश्चंस रख रहा हूं और उन क्वेश्चंस के बेस पर आप मुझे बताएंगे कि क्या रिजल्ट हो सकता है। मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग करेक्ट आंसर देंगे, आप सभी लोग करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है और यहाँ के जो हिस्टोन से जो आपने अभी ऊपर मॉडिफिकेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो हिस्टोन से वो एसिटाइलेटेड हैं, इनके साथ एसिटेट यूनिट लिंक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्रोमेटिन का एक रीजन है और उस रीजन पर हिस्टोन प्रोटीन्स एसिटाइलेटेड हैं, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ एसिटेट ग्रुप लिंक हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे ये क्रोमेटिन रीजन, ये जो पूरा क्रोमेटिन रीजन है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। तो क्रोमेटिन का एक रीजन वहां पर प्रेजेंट न्यूक्लियोसोम की हिस्टोन टेल्स पर एसिटेट यूनिट्स लिंक हैं लाइसिन रेसिड्यू। अब आप मुझे बताएंगे क्या ये रीजन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा या ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। योगेश एक्टिव, संजय बायोटेक्निक, प्रज्ञा, वर्षा, रंजना, पूजा, ठीक है, आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है और फ्यूचर में भी मैं उम्मीद रखूंगा आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है शिवांगी, ठीक है शिवांगी, सीमा, ठीक है, आप सभी लोग इस पॉइंट को जान रहे हैं ये ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। अब आप मुझे अगले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में आपको जवाब देना है, हमने एक सेल आइसोलेट किया है, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने एक मेमेलियन सेल को आइसोलेट किया है और उस मेमेलियन सेल का हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ध्यान से सुनिएगा, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है। ऐसी कंडीशन में किसी पर्टिकुलर जीन के बारे में यदि क्वेश्चन किया जाए कि उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मल होगा या नॉर्मल से कम होगा, मेरा क्वेश्चन समझिएगा। एक पर्टिकुलर सेल मेमेलियन सेल को आइसोलेट किया है, उस सेल का हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम डिफेक्टिव है और इस डिफेक्ट के साथ एक पर्टिकुलर जीन के ट्रांसक्रिप्शन के बारे में एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन करता है कि एक जीन है, अब उसका ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मल होगा, नॉर्मल रहेगा, या फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मल से ज्यादा होगा या ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मल से कम होगा, ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, बताना है।
बायोटेक्निक नॉर्मल से कम होगा, नॉर्मल से कम होगा श्रद्धा, ठीक है, लेस देन नॉर्मल, ट्रांसक्रिप्शन कम होगा संजय, ठीक है, पूजा नॉट लेस देन नॉर्मल, वर्षा नॉर्मल से कम होगा, ठीक है, रंजना नॉर्मल से कम होगा, ठीक है, आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, नॉर्मल से कम होगा, ठीक है, नॉर्मल से कम होगा। सीमा गुप्ता बेसल लेवल, तो आप ध्यान दीजिएगा सीमा जी, बेसल लेवल से भी कम हो जाएगा, बेसल लेवल से ही भी कम हो जाएगा। यूकैरियोट्स में तो बेसल लेवल गेन करना भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में बेसल से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं और दूसरी कंडीशंस को रखते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब हिस्टोन जो एसिटेट यूनिट से इनको रिमूव करने वाले एंजाइम होते हैं, इनको एसिटेट यूनिट्स को हिस्टोन से रिमूव करने के लिए एंजाइम होता है, ठीक है, यदि हम लोग एंजाइम की बात करेंगे तो हिस्टोन डीएसिटाइलेज एंजाइम, हिस्टोन डीएसिटाइलेज एंजाइम होते हैं जो इन हिस्टोन्स पर प्रेजेंट एसिटेट ग्रुप्स को रिमूव कर देते हैं, और जैसे ही ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है वो डीएसिटाइलेट हो जाएगा, जो क्रोमेटिन है वो डीएसिटाइलेट हो जाएगा, आप लोग समझ पा रहे हैं। तो किसी भी क्रोमेटिन रीजन जो एसिटाइलेटेड स्टेट में है, यदि उसका डीएसिटाइलेशन कर देंगे तो नो डाउट उस रीजन का ट्रांसक्रिप्शन सप्रेशन हो जाएगा, उस रीजन का ट्रांसक्रिप्शन सप्रेशन होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि किसी सेल का हिस्टोन डीएसिटाइलेज एंजाइम डिफेक्टिव है, ठीक है, नॉन फंक्शनल है, आप ध्यान दीजिएगा नॉन फंक्शनल है, ऐसी कंडीशन में जो जीन से उनका ट्रांसक्रिप्शन, जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मल से ज्यादा होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन है ट्रांसक्रिप्शन रेट बढ़ जाएगा, या फिर ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मल होगा। मेरा क्वेश्चन ये आप लोगों से है कि यदि किसी सेल का हिस्टोन डीएसिटाइलेज एंजाइम डिफेक्टिव है, ऐसी कंडीशन में जब भी जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उनका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो बढ़ा रहेगा, ठीक है, टाइम के साथ वो स्विच ऑफ नहीं होगा, लगातार एक्सप्रेस होने रहने के चांस ज्यादा है, या ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मल ही रहेगा और सिग्नल के बेस पर उसका ट्रांसक्रिप्शन सेपरेशन हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा, ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा। यहां पर इस पॉइंट को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, मोर देन नॉर्मल, ठीक है पूजा, ठीक है सीमा, बहुत बढ़िया, सभी लोग करेक्ट बता रहे हैं। अब इसको आप समझ लो, जब भी एसिटाइलेशन होता है तो एसिटाइलेशन के साथ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन हुआ, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन के साथ जो, ठीक है रंजना, ठीक है, जब भी एसिटाइलेशन होता है तो जिन क्रोमेटिन रीजंस का एसिटाइलेशन होगा वहां पर प्रेजेंट जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन रेट बढ़ जाएगा, और जैसे ही सेलुलर रिक्वायरमेंट उन जीन्स के प्रोडक्ट की लगभग पूरी हो जाएगी जिनका एक्सप्रेशन शुरू हुआ है, तो फिर अब क्या करना है, उन जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को सप्रेस करना है, क्योंकि जो सफिशियंट रिक्वायरमेंट थी वो लगभग पूरी हो चुकी। ऐसी कंडीशन में डीएसिटाइलेज एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और क्रोमेटिन स्ट्रक्चर जहां पर एसिटेट ग्रुप्स को लगाया गया था उन एसिटेट ग्रुप्स को रिमूव कर देते हैं, रिमूवल के साथ ही जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है वो पैक हो जाता है और इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन सप्रेशन हो जाता है। जिन सेल्स का हिस्टोन डीएसिटाइलेज एंजाइम डिफेक्टिव होगा उनमें क्या प्रॉब्लम आएगी, आप उस पॉइंट को भी समझे, जब ये एंजाइम डिफेक्टिव है तो जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन का स्टिमुलेशन तो नॉर्मली होगा, जैसे ही एसिटाइलेशन होगा जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, लेकिन अब जब जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है और उनका ट्रांसक्रिप्शन सप्रेस होना चाहिए, ऐसी कंडीशन में डीएसिटाइलेज एंजाइम ना होने की वजह से
उनके एसिटेट ग्रुप्स रिमूव नहीं होंगे और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो अब ज्यादा समय तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आपको इस तरह से समझना है। तो शायद आप लोग एसिटाइलेशन और डी एसिटाइलेशन के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं। मुझे यस और नो में बताएं, क्या एसिटाइलेशन और डी एसिटाइलेशन के बारे में आप लोग समझ पा रहे हैं? एसिटाइलेशन और डी एसिटाइलेशन के बारे में आपको ध्यान रखना है। मैं दो फैक्ट आपके सामने रखना चाहूंगा। एसिटाइलेशन लाइसिन रेसिड्यू पर होता है और एक स्पेसिफिक एसिटाइलेशन लाइसिन 16 रेसिड्यू 16 पोजीशन पर प्रेजेंट H4 प्रोटीन H4 हिस्टोन की 16 पोजीशन पर प्रेजेंट लाइसिन रेसिड्यू के साथ जब भी एसिटाइलेशन होता है तो ये एसिटाइलेशन 30 nm फॉर्मेशन को, ठीक है, फाइबर फॉर्मेशन को रोकता है और ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन को फैसिलिटेट करता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं मेथाइलेशन की। आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं मेथाइलेशन की, हिस्टोन मेथाइलेशन की हम लोग बात करने चल रहे हैं। दूसरा जो चेंज है वो हिस्टोन मेथाइलेशन है। मेथाइलेशन लाइसिन और आर्जिनिन रेसिड्यूज पर होता है। जो मेथाइलेशन है वो लाइसिन और आर्जिनिन रेसिड्यू पर हो। जो मिथाइलेशन की प्रोसेस है उसको हम लोग डायरेक्टली एक्टिवेशन या इनएक्टिवेशन से नहीं जोड़ सकते। आप मुझे ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हमने ये स्टडी किया, यदि एसिटाइलेशन है तो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन ही होगा, लेकिन जब भी मिथाइलेशन की बात आती है तो मिथाइलेशन एक बाइनरी स्विच है। मिथाइलेशन हिस्टोन का मिथाइलेशन जब भी होता है तो इसके रिजल्ट दो तरह के हो सकते हैं, या तो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन हो सकता है या ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन हो सकता है। तो एक तरह का मिथाइलेशन जो पैटर्न है ये बाइनरी स्विच है और ये डिसाइड होता है कि मिथाइलेशन की पोजीशन क्या है। तो मिथाइलेशन का इफेक्ट ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन या रिप्रेशन किस पर होगा, इसका डिसीजन हमें करना होगा कि ये मिथाइलेशन कौन सी हिस्टोन में किस पोजीशन पर हुआ है। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट हो सकते हैं, एक्टिवेशन और रिप्रेशन। मिथाइलेशन ऑफ हिस्टोन्स, मिथाइलेशन ऑफ हिस्टोन्स आइदर रिप्रेस, ठीक है, और एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन, या तो रिप्रेस कर सकता है या फिर एक्टिवेट कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन को। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखें, किसी एक पॉइंट पर स्टैंड नहीं लेंगे। जैसे कि लाइसिन 4 इन द H3 टेल, यदि H3 टेल के थर्ड पोजीशन के लाइसिन रेसिड्यू का, थर्ड पोजीशन के लाइसिन रेसिड्यू का यदि मिथाइलेशन करते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, H3 प्रोटीन के, ठीक है, फोर्थ पोजीशन के लाइसिन रेसिड्यू का मिथाइलेशन करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन होगा। क्लियरली आइडेंटिफाइड है कि यदि H3 हिस्टोन H3 के फोर्थ पोजीशन पर प्रेजेंट यंग टर्मिनल से, ठीक है, हम लोग हमेशा अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग करते हैं तो ये अंडरस्टूड है, जो फोर्थ पोजीशन हम लोग बोल रहे हैं वो यंग टर्मिनल अमाइनो एसिड से यदि हम काउंट करेंगे तो फोर्थ पोजीशन का अमाइनो एसिड है लाइसिन। फोर्थ पोजीशन पर प्रेजेंट लाइसिन रेसिड्यू का यदि मिथाइलेशन करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन होता है। आपको ध्यान रखना है, ये ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन को फेवर करता है। जबकि दूसरी तरफ यदि नाइन्थ पोजीशन पर प्रेजेंट लाइसिन रेसिड्यू का मिथाइलेशन करते हैं, नाइन्थ पोजीशन पर प्रेजेंट लाइसिन रेसिड्यू को यदि मिथाइलेट करते हैं तो इस मिथाइलेशन का रिजल्ट ये होता है कि ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, तो ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन कब हो जाएगा, जब नाइन्थ पोजीशन पर मिथाइलेशन होगा लाइसिन रेसिड्यू पर। तो मिथाइलेशन के रिलेशन में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एक स्टैंड नहीं ले सकते हैं, एक्टिवेशन या रिप्रेशन। हमें पोजीशन चेक करना होगा कि कौन सी पोजीशन पर मिथाइलेशन हुआ है और ये पोजीशन डिसाइड करेगी ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन होगा या नहीं होगा।
यदि H3 प्रोटीन के फोर्थ पोजीशन पर प्रेजेंट लाइसिन रेसिड्यू का मिथाइलेशन हुआ है तो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन, और यदि नाइन्थ पोजीशन के लाइसिन रेसिड्यू का मिथाइलेशन हुआ है तो ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन क्यों होगा, उसके कारण को भी समझ लीजिए। जब लाइसिन, जो नाइन्थ पोजीशन का लाइसिन रेसिड्यू है, जब इसमें मिथाइलेशन होता है तो इस मिथाइलेशन के बेस पर, या कहें ये मिथाइलेशन रिक्रूट करता है, एक प्रोटीन को रिक्रूट, हेटरोक्रोमेटिन स्पेसिफिक प्रोटीन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर, हेटरोक्रोमेटिन स्पेसिफिक प्रोटीन, और उस प्रोटीन को हम लोग जानते हैं HP1 के नाम से। हेटरोक्रोमेटिन स्पेसिफिक प्रोटीन को रिक्रूट करता है, और जैसे ही इस प्रोटीन को ये रिक्रूट करता है और ये प्रोटीन आकर के इन हिस्टोन्स पर बाइंड करता है, तो इस बाइंडिंग के साथ ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, कन्वर्ट कर देता, उस रीजन को ये कन्वर्ट कर देगा हेटरोक्रोमेटिन में, और हेटरोक्रोमेटिन का मतलब हो गया और ज्यादा पैकिंग हो जाएगी, और जब और ज्यादा पैकिंग होगी तो ट्रांसक्रिप्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शनल इनएक्टिवेशन। आप यूक्रोमेटिन और हेटरोक्रोमेटिन के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, ठीक है, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन है क्रोमेटिन का, उसको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं, और ये बहुत ही कह सकते हैं लूजली एसोसिएटेड रीजन है डीएनए का हिस्टोन्स के साथ, और जो टाइटली पैक्ड रीजन होता है, हाईली फोल्डेड रीजन होता है, 30 nm या उससे ऊपर लेवल की फोल्डिंग होती है, उसे हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। और हेट्रोक्रोमेटिन में प्रेजेंट जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मली नहीं हो पाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैक्ड रीजन में है। यूक्रोमेटिन एक ऐसा रीजन है जो बहुत ज्यादा टाइट पैकिंग में नहीं है, और वहां पर प्रेजेंट जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन चलता रहता है। देखिए संजय कुमार, यूकैरियोटिक सिस्टम में बहुत वेरिएशन है और बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं, वो होते रहते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर मैं ही आपको बता रहा हूं, तो यही आपको याद रखना है। जैसे जैसे और भी चीजें आगे बढ़ रही हैं, रिसर्च आगे जा रहा है, मॉडिफिकेशंस के बारे में हमें और पता चल रहा है और बेहतर तरीके से हम समझ पा रहे हैं, जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे समझेंगे कि मॉडिफिकेशंस का जो रोल है वो किसी एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन या रिप्रेशन को लेकर के नहीं है, वो उनका साइट कौन है वो डिसाइड करेगा एक्टिवेशन होगा या नहीं होगा। शायद आप सभी लोग इस लाइसिन की नाइन्थ पोजीशन के ट्रांसक्रिप्शन को लेकर के आप लोग समझ रहे होंगे, और ये आपके लिए बेहद जरूरी भी है, ये जरूरी है और आप इसको समझ पा रहे होंगे सभी लोग। मैं केवल आपको उन मॉडिफिकेशंस के बारे में बता रहा हूं जिनके बारे में वेल नोन है और चीजों को हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। मॉडिफिकेशंस बहुत सारे हैं, आपके सामने रखे जा सकते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत ज्यादा बेहतर नोन नहीं है। जैसे मैंने लाइसिन, नाइन्थ पोजिशन के लाइसिन का एग्जाम्पल आपके सामने क्यों रखा, इस नाइन्थ पोजिशन के लाइसिन का एग्जाम्पल आपके सामने क्यों रखा है, उसका कारण है क्योंकि जब भी इस पोजीशन का मिथाइलेशन होता है तो ये हेट्रोक्रोमेटिन जो फॉर्मेशन है उसको फैसिलिटेट करता है। ये उस रीजन, जिस रीजन पर नाइन्थ पोजीशन के लाइसिन रेसिड्यूज का मिथाइलेशन हुआ है, उस रीजन का जो पूरा क्रोमेटिन है वो और ज्यादा पैक होकर के हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये मॉडिफिकेशन, जो ये मॉडिफिकेशन है, ये एक तरह का कोड है, एक तरह का कोड है सेल्स के लिए कि इस रीजन का जो क्रोमेटिन है उसे कन्वर्ट होना है हेट्रोक्रोमेटिन में, ठीक है, इस वजह से इसने रिक्रूट कर लिया हेट्रोक्रोमेटिन स्पेसिफिक प्रोटीन को। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग यहां तक समझ गए होंगे, आप लोग सभी लोग यहां तक समझ गए होंगे।
क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस और नो में बताएं जल्दी से, क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है संजय, चलिए मैं इसी केस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। इसी केस को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं और एक और मॉडिफिकेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं इसी बेस पर। ठीक है, इसी बेस पर हम लोग थोड़ा और डिस्कशन आगे ले चलते हैं। अभी हम लोगों ने लाइसिन, जो 9th पोजीशन का लाइसिन है, H3 के 9th पोजीशन के लाइसिन, इस लाइसिन के साथ मिथाइल ग्रुप लिंक है, और जब मिथाइल ग्रुप लिंक है तो फिर ये फैसिलिटेट करता है हेटरोक्रोमेटिन फॉर्मेशन को। हेटरोक्रोमेटिन फॉर्मेशन को ये फैसिलिटेट करता है क्योंकि इसने रिक्रूट किया था HP1 प्रोटीन को। इसने रिक्रूट किया था HP1 प्रोटीन को। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं पर एक चेंज मैं आपके सामने और रखता हूं, आप लोग उसे भी समझें। इसी एन टर्मिनल रीजन पर जो 10th अमाइनो एसिड है वो है सेरीन। जरा ध्यान दीजिएगा, जो 10th पोजीशन पर अमाइनो एसिड है वो सेरीन है, 9th पोजीशन पर लाइसीन है और 10th पोजीशन पर सेरीन है। लाइसीन मिथाइलेटेड स्टेट में है और जब ये मिथाइलेटेड स्टेट में है तो ये रिक्रूट करता है HP1 को और हेटरोक्रोमेटिन फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है। लेकिन इसी के साथ, इसी मिथाइलेशन के साथ, यदि 10th पोजीशन पर प्रेजेंट सेरीन रेसिड्यू का फास्फोराइलेशन कर लिया जाए, आप ध्यान दीजिएगा, इसी सेरीन रेसिड्यू का फास्फोराइलेशन किया जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिथाइल ग्रुप को निकाल देते हैं, मिथाइल ग्रुप को रिमूव नहीं किया है। लाइसीन के साथ मिथाइल ग्रुप लिंक है और ये मिथाइलेशन हेटरोक्रोमेटिन फॉर्मेशन को फैसिलिटेट कर रहा है जैसा भी ऊपर आपने पढ़ा। लेकिन इसी मॉडिफिकेशन के साथ यदि इसके जस्ट आगे का जो अमाइनो एसिड रेसिड्यू है सेरीन, उसकी 10th पोजीशन को फास्फोराइलेट कर लेते हैं, तो जैसे ही 10th पोजीशन को फास्फोराइलेट करते हैं, ये फास्फोराइलेशन HP1 को डिस्प्लेस करा देता है, HP1 को डिस्प्लेस करा देता है। और जैसे ही HP1 को डिस्प्लेस कराएगा, इस डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि ये हेटरोक्रोमेटिन फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देगा। हेटरोक्रोमेटिन फॉर्मेशन को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा, अर्थात ये सपोर्ट करेगा यूक्रोमेटिन फॉर्मेशन। और वहां पर प्रेजेंट जिस डीएनए रीजन में ये चेंज हो रहे हैं और वहां उस डीएनए रीजन में ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन हो जाएगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हर एक मॉडिफिकेशन किसी एक पर्टिकुलर, ठीक है, प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, या तो क्रोमोसोम की पैकिंग को और इंप्रूव कर देता है, इंक्रीज कर देता है, या फिर क्रोमोसोम जो पैकिंग है, पैकेजिंग है क्रोमेटिन की, उसको लूज करा देता है, जिसके रिजल्ट में ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन या रिप्रेशन एसोसिएटेड है। तो देखिए, इस तरह के चेंजेस हमें ये बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर केमिकल चेंज किस तरीके से सिग्नल्स कैरी करते हैं और वो सिग्नल्स के बेस पर भी फर्दर चेंज एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे, आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ रहे होंगे। ठीक है योगेश, ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं। तो यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे, जो फास्फोराइलेशन है सेरीन का 10th पोजीशन पर, ये ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है।
बहुत सारे फास्फोराइलेशन प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस भी करते हैं। तो जब भी हिस्टोन का फास्फोराइलेशन आप लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप हिस्टोन का फास्फोराइलेशन आप पढ़ेंगे तो हिस्टोन का फास्फोराइलेशन भी एक बाइनरी स्विच है। हिस्टोन का फास्फोराइलेशन भी एक बाइनरी स्विच है और इसमें ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन भी हो सकता है और ट्रांसक्रिप्शनल इनएक्टिवेशन भी हो सकता है। ट्रांसक्रिप्शनल इनएक्टिवेशन, तो अभी तक आपने जो मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन पढ़ा हुआ है, आपके एग्जाम में यदि कभी क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो आप 100% ये मान लीजिए कि जो क्वेश्चन है वो मिथाइलेशन या एसिटाइलेशन से पूछा जाएगा। आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा एसिटाइलेशन या मिथाइलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डीएनए मिथाइलेशन की। हम लोग अब बात करने वाले हैं डीएनए मिथाइलेशन की। सभी लोग इस पॉइंट पर ध्यान दें, यदि डीएनए का मिथाइलेशन किया जाए, हिस्टोन का मिथाइलेशन नहीं करना है, हिस्टोन का मिथाइलेशन नहीं करना है, हिस्टोन प्रोटीन में कोई चेंज नहीं करना है, बल्कि चेंज डीएनए मॉलिक्यूल में करना है। आप सभी लोग ध्यान देंगे, डीएनए मॉलिक्यूल में क्या करना है, चेंज करना है। और डीएनए डीएनए किसका बना है, डीएनए बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स का, डीएनए पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं। यदि उन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स में प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज का मिथाइलेशन कर लिया जाए, जिसे हम लोग डीएनए मिथाइलेशन कह रहे हैं, तो इस मिथाइलेशन का रिजल्ट क्या होगा, इस मिथाइलेशन का रिजल्ट क्या होगा। तो आपने डीएनए मिथाइलेशन की इंपॉर्टेंस बैक्टीरिया में भी पढ़ी थी, जब हम लोग मिसमैच रिपेयर पढ़ते हैं, जब बैक्टीरिया में मिसमैच रिपेयर पढ़ते हैं वहां पर हम लोग स्टडी करते हैं किस तरह से जीएटीसी सीक्वेंस का मिथाइलेशन हेल्प करता है रिपेयर सिस्टम को कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके पेरेंटल और डॉटर स्ट्रैंड में। उसी तरीके से यूकैरियोट्स में जो डीएनए मिथाइलेशन है, इसका भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन से है, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन से है। यदि डीएनए का मिथाइलेशन होगा तो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन होगा या रिप्रेशन होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको जानना भी है। क्वेश्चन कई सारे हैं, एक तो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन कि जो ये मिथाइलेशन है वो कौन से रेसिड्यू पर होगा, एडनीन रेसिड्यू पर होगा, ग्वानीन रेसिड्यू पर होगा, साइटोसिन पर होगा या थाइमिन रेसिड्यू पर होगा। और जब ये मिथाइलेशन होता है तो क्या ये मिथाइलेशन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पर होगा, सीक्वेंस डिपेंडेंट होगा या फिर नहीं होगा, इन सारे पॉइंट्स को लायग्राम ने क्वेश्चन किया है। क्या मिथाइलेशन हमेशा वन टाइम होता है, टू टाइम होता है या थ्री टाइम हो सकता है? तो लायग्राम, जो मिथाइलेशन है वो वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, ठीक है? तो आप ध्यान रखेंगे जो लाइसीन रेसिड्यू है, ठीक है, उस पर तीन मिथाइल ग्रुप ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है। मोनो मिथाइलेशन, डाई मिथाइलेशन और ट्राई मिथाइलेशन, और तीनों के जो सिग्नल्स हैं वो अलग अलग हैं, एक ही लाइसीन रेसिड्यू पर एक साथ, ठीक है, कह सकते हैं जो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, वो लाइसीन रेसिड्यू पर तीन मिथाइल ग्रुप ऐड कर सकता है, जिसमें मोनो मिथाइलेशन, डाई मिथाइलेशन या ट्राई मिथाइलेशन कह सकते हैं। और हर एक मिथाइलेशन का जो सिग्नल है वो अलग अलग होता है, रिजल्ट सेम नहीं होते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि लायक राम जी आप ये समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। योगेश का क्वेश्चन है स्टोन मिथाइलेशन बाई आर्जिनिन, तो मैं आपसे कहूंगा योगेश, जब आप सीएसआईआर क्वालिफाई कर जाइएगा तो आप मिथाइलेशन को लेकर के ही आप रिसर्च करिएगा, तो आप डिसाइड कर पाएंगे। आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि मैं आपके सामने वही फैक्ट रख रहा हूं जो नोन है,
मिथाइल ग्रुप आर्जिनिन पर पाए जाते हैं, आर्जिनिन का भी मिथाइलेशन होता है, लेकिन आर्जिनिन मिथाइलेशन का कोई भी क्लियर कट अभी रिजल्ट ये नहीं समझ पाए हैं कि वो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन में है या रिप्रेशन में। तो आप लोग थोड़ा इस पॉइंट को समझिए कि किसी पॉइंट को यदि लिख दिया कि लाइसिन की आर्जिनिन का भी मिथाइलेशन होता है, तो अब की क्वेश्चन ये है कि मिथाइलेशन यदि आर्जिनिन का हो रहा है तो उसके रिजल्ट क्या है? तो उस रिजल्ट अभी हमें पता नहीं है। हमें ये पता चल गया है कि जो मिथाइलेशन है वो आर्जिनिन का हो रहा है, लेकिन अब सेल के लेवल पर उस आर्जिनिन मिथाइलेशन के क्या रिलेशन है उसके बारे में नोन नहीं है। तो ऐसे बता पाना संभव नहीं है। मैं पहले भी कहा कि हम लोग वही आपके सामने एग्जाम्पल रखते हैं जिनके बारे में नोन है, ठीक है? तो आप सभी लोग बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप इस चीज को समझिए कि जब भी हम साइंस में पढ़ते हैं तो हम वही फैक्ट तो आपके सामने रख सकते हैं जो नोन है, या फिर मैं जब पढ़ाने आता हूं तो कुछ भी अपने मन से चलाऊं और ये है वो है बता के चला जाऊं, आप कहेंगे बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोग इस पॉइंट को भी थोड़ा समझने की कोशिश करें, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग बात डीएनए मिथाइलेशन की करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो डीएनए में मिथाइलेशन होता है, यूकैरियोट्स में जो डीएनए मिथाइलेशन में जब जाएगा तो ये मिथाइलेशन साइटोसिन रेसिड्यू पर होता है। आपको ध्यान रखना है ये मिथाइलेशन साइटोसिन रेसिड्यू पर होता है, ठीक है? और जब भी मिथाइलेशन होगा तो 5-मिथाइल साइटोसिन प्रोड्यूस होगा, 5-मिथाइल साइटोसिन डीएनए में प्रोड्यूस होगा। और जब भी 5-मिथाइल साइटोसिन प्रोड्यूस होता है तो ये हमारे क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को चेंज करता है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। और ये चेंज हमेशा ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन कॉज करता है। तो डीएनए का मिथाइलेशन स्पेसिफिक साइटोसिन रेसिड्यूज पर होगा 5th पोजीशन पर, जिससे 5-मिथाइल साइटोसिन क्रिएट हो जाएंगे। और जब भी ऐसा होता है तो ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन होता है। इसका मतलब सीधा रिलेशन हो गया, जो डीएनए का मिथाइलेशन है वो रिलेटेड है ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन से। जैसे हम लोगों ने एसिटाइलेशन के केस को पढ़ा हुआ था कि जब भी एसिटाइलेशन होगा तो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन होगा, उसी तरह से यदि डीएनए का मिथाइलेशन होता है साइटोसिन रेसिड्यू पर तो नो डाउट ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये जो चेंज है वो यूकैरियोट्स में, चाहे वो वर्टिब्रेट्स हो या प्लांट हो, ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन कॉज करता है। इसका मतलब ये हेटरोक्रोमेटिन को फेवर करता है, ना कि यूक्रोमेटिन को। आप सभी लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे, ठीक है? जब भी ये मिथाइलेशन होता है, जब हम लोग इस मिथाइलेशन की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है ये मिथाइलेशन कॉमन उन साइटोसिन रेसिड्यूज पर होते हैं जो जस्ट ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड के पास है, अर्थात सीपीजी। आपको ध्यान रखना है, जो मिथाइलेशन है वो जिन साइटोसिन रेसिड्यूज पर हो रहा है उन साइटोसिन के साथ प्रेजेंट होते हैं ग्वानिन। तो ऐसा नहीं है कि जो साइटोसिन का मिथाइलेशन है वो लगातार जो साइटोसिन रेसिड्यूज पर है जो कहीं पर भी प्रेजेंट है। तो जब डीएनए मिथाइलेशन हम वर्टिब्रेट्स या प्लांट्स में स्टडी करते हैं साइटोसिन रेसिड्यूज पर, तो हमें एक कंजर्व पैटर्न देखने को मिलता है कि जिन साइटोसिन रेसिड्यूज पर मिथाइलेशन हुआ है वो ग्वानिन रेसिड्यू के जस्ट क्लोज है, ठीक है? तो ये एक डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एक इंपॉर्टेंट साइट है डीएनए मिथाइलेशन की। और ये जहां पर जिस रीजन पर, जिस डीएनए रीजन पर ये डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिपीट होता है, ठीक है, उन डीएनए रीजन्स को हम लोग जनरली सीपीजी आइसलैंड्स कहते हैं। उनको हम लोग सीपीजी आइसलैंड्स कहते हैं। तो ये भी एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, एक कॉमन पैटर्न देखने को मिल जाता है। तो इस डीएनए रीजन को क्या कहेंगे? सीपीजी आइसलैंड्स, ठीक है? तो इस पॉइंट को दोबारा क्लियर कर लेते हैं। डीएनए मिथाइलेशन इज मोस्ट कॉमन ऑन साइटोसिन बेसिस एडजेसेंट टू ग्वानिन
न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, सीपीजी, डीएनए रीजन्स विथ मैनी सीपीजी सीक्वेंसेस आर कॉल्ड सीपीजी आइसलैंड्स, इन्हीं को हम लोग सीपीजी आइसलैंड्स कहते हैं। जब बहुत सारे साइटोसिन ग्वानिन डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एक साथ रिपीट होते हैं तो इन्हीं को हम सीपीजी आइसलैंड्स कहते हैं। और जनरली जो जीन्स होते हैं उनके प्रमोटर के क्लोज ये पाए जाते हैं, दे आर कॉमनली फाउंड नियर द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। जो ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट साइट है अर्थात जो प्रमोटर्स होते हैं उनके क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जब भी ऐसा होगा सीपीजी का मेथाइलेशन होता है तो ये लॉन्ग टर्म जीन रिप्रेशन, ठीक है, रिप्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं या रिप्रेशन कॉज करते हैं, जैसे यक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन फीमेल्स, फीमेल्स में यक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन होता है, तो ऐसे क्रोमोसोम की इनएक्टिवेशन के समय इनके सीपीजी रीजंस का मेथाइलेशन कर लिया जाता है और उस मेथाइलेशन के बेस पर वो टाइटली पैक हो जाता है हेटरोक्रोमेटिन में। तो डीएनए का जब भी मेथाइलेशन होगा आपको ध्यान रखना है ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन होगा। तो दो क्लियर कट चेंज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, एक हिस्टोन का एसिटाइलेशन ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन होगा जब भी आप एग्जाम में जाएंगे, और यदि डीएनए का मिथाइलेशन साइटोसिन रेसिड्यू पर होता है, ठीक है, इन सीपीजी आइसलैंड्स, तो आपको ध्यान रखना है ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन होगा। मिथाइलेशन के केस में आपको ध्यान रखना है एक्टिवेशन भी हो सकता है और रिप्रेशन भी हो सकता है। यदि लाइसिन फोर फोर्थ पोजीशन के लाइसिन रेसिड्यू पर मिथाइलेशन हुआ है तो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन, और नाइन्थ पोजीशन पर हुआ है तो फिर ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन होगा, आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसी के साथ यदि सेरीन 10th पोजीशन पर प्रेजेंट सेरीन का फास्फोराइलेशन हुआ है तो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन। रतन जी, जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं, और आप जानते हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करने के लिए यही फॉस्फेट तो होता है, ठीक है, ये फॉस्फेट होता है। आप शायद डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को जानते होंगे, किसी भी न्यूक्लियोटाइड में जब हम लोग पढ़ते हैं तो डीएनए और आरएनए में एक न्यूक्लियोटाइड है, ये थर्ड पोजीशन है, ठीक है, इस थर्ड पोजीशन पर किस तरीके से दूसरे न्यूक्लियोटाइड से लिंकिंग होगी और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, आप उसके बारे में कभी ना कभी तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो आप देख सकते हैं यही वो फॉस्फेट है जो दो सुगर्स को कनेक्ट कर रहा है, और यदि ये साइटोसिन मान लें और यदि ये ग्वानिन मान लें, तो मैंने यहां पर साइटोसिन लिख दिया और ये जो फॉस्फेट है उसे बीच में ये लिख दिया और इसको ग्वानिन लिख दिया, तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही तो होता है, एक फॉस्फेट दो तरफ सुगर के साथ ईस्टर बॉन्ड के साथ लिंक होता है। इस वजह से जो सीपीजी लिख रहे हैं यहाँ पी स्टैंड करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के लिए, ठीक है, आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने हिस्टोन मॉडिफिकेशंस के बारे में समझ लिया होगा कि हिस्टोन मॉडिफिकेशंस क्या हैं, और हिस्टोन मॉडिफिकेशंस मैंने शुरू में कहा कि मोर देन 20 टाइप्स हैं, लेकिन अभी मोर देन 20 टाइप्स के हिस्टोन मॉडिफिकेशंस को क्लियरली स्टडी नहीं कर पाए हैं कि सभी मॉडिफिकेशंस के रिजल्ट क्या हैं। तो मैंने आपके सामने कुछ क्लियर कट एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं जो हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन हो गया, रिप्रेशन। आप सभी स्टूडेंट जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है आप ये प्रिपेयर रखेंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस की लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, अभी तक ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, एक जनरल परसेप्शन भी आपके पास होगा मॉडिफिकेशन के बारे में, तब भी आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। कुछ लोग जैसे ही उन्होंने पता चल गया कि मिथाइलेशन होता है, एसिटाइलेशन होता है या फास्फोराइलेशन होता है, तो वो उसकी लिस्ट बना डालेंगे और उसे रट लेंगे, और वो लिस्ट केवल काम आएगी दूसरों से पूछने के लिए कि अपने साथी के साथ पूछ लिया कि बताओ ये मॉडिफिकेशन, जब वो नहीं बता पाएगा तो फिर उन्हें बड़ा खुशी होगी और आत्मसंतोष मिलेगा, लेकिन ऐसा करने से उनका एग्जाम नहीं निकलेगा।
तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये स्ट्रेटजी ध्यान रखनी है, ना कि आप इन चीजों को बहुत रटते हुए पूरी लिस्ट बना करके आगे जाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जनरल कॉन्सेप्ट पर पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा भी फैक्ट नहीं रखे गए हैं, क्योंकि जब बहुत ज्यादा नोन नहीं है तो स्टूडेंट के साथ क्या फैक्ट रखे जाए। तो जो मैंने आपको बताया है आप उतना याद रखें और उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मेरा गुड नाइट, आप सभी लोगों को गुड